तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका विज्ञान विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जैसे कि आपको कक्षा 9वीं का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आने वाला है और आप सब लोगों को इसके लिए अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आने वाला है। देखो, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, देखो ये होगा NaNO3। उसके बाद में Cl आयरन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो देखो 8 होगी। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, देखो ये होती न्यूरॉन। वेग का एसआई मात्रक m/s। उसके बाद में देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, 12 kg। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो देखो आयाम पर निर्भर करती है। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें। रिक्त स्थान किस प्रकार से आपके पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग इनको पढ़ लें। CaCO3 का यौगिक नाम है, तो देखो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3 होगी। पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है, तो देखो श्लेष्मोतक के कारण होता है। सामयिक परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो देखो समानुपाती होती है। पास्कल का मात्रक के दाब है। ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है, तो देखो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। टोटली एडुकेट सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, तो आप स्वयं इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। प्रश्न नंबर 3, इसमें कि लिखा निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन, मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है, तो देखो ये असत्य हो जाएगा। एल्युमिनियम 2-परिमाणिक होता है, तो देखो ये भी सत्य होगा। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8 होता है, तो देखो ये भी सत्य होगा। पलकों का झपकना ऐच्छिक पेशी का उदाहरण है, तो देखो ये भी असत्य होगा। वेग परिवर्तन की दर औसत कहलाती है, तो देखो ये भी असत्य होगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग सत्य सत्य वगैरह देख लें पूरे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जल की जोड़ी मिल जाएगी यौगिक से, नमक की जोड़ी मिल जाएगी NaCl से, और उसके बाद में देखो रोग की जोड़ी मिल जाएगी आयोडीन से, पक्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम से, गति का तृतीय नियम क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, और उसके बाद में देखो वस्तुओं का क्रियाशीलता, तो देखो 9.8 m/s। और उसके बाद में देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक कि आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 जो लिखा गया है, इसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सल्फर अणु की परमाणिकता की है, तो देखो कितनी, 8 है। समस्थानिक का उदाहरण है, तो देखो कार्बन 12 यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सल्फर अणु की परमाणिकता लिखते, देखिए आपका ये 8 आ जाएगा। समस्थानिक का एक उदाहरण, तो देखो कार्बन 12। वसा संचित करने वाले ऊतक का नाम, तो देखो वसा युक्त यहाँ पर आपको लिख देना है। गति मापने की इकाई लिखिए, तो देखो m/s होती है। किसी वस्तु की स्थिति गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं बल। सामान्य मनुष्य का श्रव्य प्रयास लिखिए, तो देखो ये 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है। इस प्रकार से यहाँ तक कि आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी देख लें। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 8 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लें, जिसमें कि आपसे पूछा जाए संयोजकता किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो, ये प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परिक्रम झिल्ली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। उसके बाद में देखो, त्वरण किसे कहते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम आपको बताना है। द्रव्यमान एवं भार में अंतर आपको बताना है। जब आई साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, तो आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो, आगे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी यहाँ से इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के A to Z क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ।
अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लीजिएगा। 19 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, 22वां ये लिखा है। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में टोटली। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 ये लिखा है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग समझ लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा कंप्लीट भी कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए, तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।